गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स बुक। और मैथ्स में मैंने आपको पेज नंबर 31 पर ये होमवर्क दिया था। ये पहले आप मैच कीजिए। यहाँ फर्स्ट में आएगा ए में 1, बी में 2, सी में 9 और डी के 2 ब्लैंक बॉक्स हैं, इनमें दोनों में आएगा 4। इसके बाद हम सीखेंगे आज नंबर फैक्ट, कि नंबर फैक्ट क्या होते हैं। वी कैन ऐड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू नंबर्स टू गेट द सेम आंसर। हम दो नंबरों को अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं और अलग अलग नंबर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और सेम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 + 7 = 8। 1 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 8 एंड 2 + 6 = 8 और अगर 2 में 6 को ऐड करेंगे तो भी आएगा 8। दिस इज कॉल्ड नंबर फैक्ट। इसी को नंबर फैक्ट बोलते हैं। लुक एट द नंबर फैक्ट ऑफ 4, 8। हम नंबर फैक्ट 8 का देखेंगे, यानी कि सबके आंसर 8 होंगे लेकिन जो ये पेयर होंगे ये अलग अलग होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल डन है पहले से ही आपको समझाने के लिए। ये जैसे फर्स्ट है 8 + 0, 8 में 0 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 7 + 1, 7 में 1 को ऐड करेंगे तो भी आंसर 8 आएगा। ठीक है, और इधर ये आपको कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सर्कल में कलर हो रहा है और कलर उतने सर्कल में होगा जितने की आपकी फर्स्ट डिजिट होगी। जैसे 8 है तो 8 बॉल्स में, 8 सर्कल में कलर होगा। ये 7 है तो 7 में कलर होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर 6 + 2 = 8। 6 में 2 को ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, तो ये 6 उसमें सर्कल में कलर होगा। 5 + 3 = 8, यहाँ पे 5 में कलर है। 4 + 4 = 8, यहाँ पर 4 में कलर है। 3 + 5 = 8, यहाँ पर 3 में कलर है। 2 + 6 = 8, यहाँ पर 2 में कलर है। 1 + 7 = 8, 1 में, और 0 यानी 1 में भी नहीं, 0 + 8 = 8। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये है घटता हुआ क्रम और ये है बढ़ता हुआ क्रम और आंसर हमारा सेम। जैसे कि पीछे क्या लिखा हुआ था, 7, पहले 8 था फिर 7 था, फिर 6 5 4 3 2 1 0। इधर क्या हुआ, पहले 0 था फिर 1 था, फिर आया 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक साइड घटता हुआ क्रम एक साइड बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब ये जो 7 वाला है ये देखिए, राइट द नंबर्स फैक्ट फॉर द गिवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स। कलर्स के अकॉर्डिंग हमें ये नंबर फैक्ट करना है। जैसे 6 + 0 = अगर हम 6 में ऐड करेंगे 0 को तो क्या आएगा 6। 5 + - = 6, तो 5 में किसको ऐड करेंगे, 1 को। 5 और 1 = 6, ये ब्लैंक है। +2 = 6, तो अगर हम 4 ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे घटता हुआ क्रम है बढ़ता हुआ क्रम है ये देखना है हमें, तो ये 6 है ये 5 है, तो फिर क्या आएगा 4, यानी कि 4 + 2 = 6। 4 के बाद, 4 के पहले 3, 3 + 3 = 6। ये इधर बॉल से भी लिख सकते हैं आप, फिर 2 बॉल्स में कलर है तो 2 लिखेंगे, ये 1 बॉल में कलर है तो 1 लिखेंगे, ये 0 बॉल में कलर है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 + 3 = 6, 2 + 4 = 6, 1 + 5 = 6, 0 + 6 = 6। तो ये घटता हुआ क्रम 6 5 4 3 2 1 0 और ये बढ़ता हुआ क्रम 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से ये बी वाला, अब बॉल्स के ये जो कलरफुल सर्कल है इनके अकॉर्डिंग आपको ये बी करना है। और नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर फैक्ट 4, 5 and 7 एंड कलर द सर्कल्स। इन सर्कल्स में कलर करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है ये आंसर हमारा 5 आना चाहिए, हमें इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं पेज नंबर 33 पर, और ये आपका होमवर्क है।